ऑल राइट दोस्तों, ओप्पो रेनो 10 प्रो स्मार्टफोन इज इन द हाउस और आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम बॉक्स को ओपन और सामने की तरफ ही हमें एक ओप्पो की ब्रांडिंग वाले एक बॉक्स रखा मिल जाते हैं। देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो ये है दोस्तों को सेफ्टी गाइड, क्विक गाइड, सिम इजेक्टर टूल और साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस, जो कि भाई मुझे बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। तो ख्याल रखते हैं सारी चीज़ों को साइड में। हमारा मेन हाईलाइट हमारा स्मार्टफोन, इसे भी एक मिनट साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या कुछ है। चलो अच्छी बात है यार, हमें चार्जर भी इन द बॉक्स मिल रहा है। तो है ये 80 वोल्ट आउटपुट वाला सुपर वूक चार्जर और ये केबल। ख्याल रखते हैं सारी चीज़ों को साइड में और आते हैं हमारे मेन हाईलाइट की तरफ, जो कि हमारा स्मार्टफोन। अरे वाह यार, फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो भाई फ़ोन सच में यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के डिज़ाइन की। तो भाई डिज़ाइन के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रहा है स्मार्टफोन का। और यार अगर आपको प्रीमियम डिज़ाइन के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर ओप्पो के इस फ़ोन की तरफ ज़रूर से जा सकते हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आ रहा है भाई, आपको जो भी अपने हिसाब से पसंद आए आप उसकी तरफ ज़रूर से जा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम डिस्प्ले की, तो फ़ोन के अंदर हमें 6.74 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फोन के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है। भी अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओप्पो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि कलर वाइज 13.1 पर बेस्ड है। दोस्तों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और कैजुअल गेमिंग के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जहां पर इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जहां में सोनी IMX890 सेंसर दिया गया है, टेलीफोटो कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और दोस्तों जो इसका बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, काफी ज्यादा बढ़िया वाली फोटोज और वीडियोज आपके क्लिक कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यार मैंने पर्सनली इसका जो कैमरा टेस्ट किया ना भाई, मुझे तो यार इसका कैमरा A1 लगा है बिल्कुल ही। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप फोन के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। भाई अगर आपको स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर ओप्पो के फोन की तरफ जरूर से जा सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो फोन के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से भी यहाँ पर स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप फोन के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये फोन 4600mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भाई एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों, और 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट काफी जल्दी से आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। 3.5mm जैक हमें फोन के अंदर नहीं दिया गया। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों लाउड इनफ है भाई, काफी अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि हमने कई बार टेस्ट किया, काफी फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है। साथ ही ये स्मार्टफोन फेस अनलॉक के भी साथ में आता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं ओप्पो रेनो 10 प्रो स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो इस फोन के 12+256GB वेरियंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 43,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इस स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया डिजाइन के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है, जहां पर डिस्प्ले आपको बढ़िया वाली मिल रही हो, साथ ही दोस्तों आपको कैमरा सेटअप भी एकदम टॉप ऑफ द लाइन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली भाई ओप्पो रेनो 10 प्रो की तरफ जरूर से जा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इस स्मार्टफोन के लिए।